आदरणीय भक्तजनों सादर प्रणाम। हम आज श्री नाभाजी द्वारा वर्णित भक्तबाल में श्री जटायु जी की कथा को श्रवण करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सद्गुरु देवाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यादरुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री सीताराम लक्ष्मण जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री जटायु जी को बार बार प्रणाम। श्री नाभा जी को कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय भक्तजनों, जटायु का चरित्र इतना महान है कि मनुष्य क्या देवता क्या, उनसे भी बढ़कर मैं समझती हूँ। जटायु जी ने जो काम किया वो शायद ही कोई कर सके। एक समय की बात है, नाभाजी महाराज कहते हैं कि कश्यप ऋषि की जो पत्नी है विनीता, उनसे दो पुत्र हुए। एक का नाम था गरुड़ जी और एक का नाम था अरुण जी। अरुण जी श्री सूर्य भगवान के रथ को चलाते थे और एक समय यानी सूर्य भगवान के सारथी थे। एक समय अरुण जी के दो पुत्र हुए, जटायु और संपाति। दोनों भाइयों में ऐसी होड़ लग गई कि सबसे ऊंचे कौन उड़ान भर सकता है और सूर्य मंडल तक कौन जा सकता है। दोनों भाइयों ने बड़ी जोर की उड़ान भरी और सूर्य मंडल के निकट तक पहुंच गए। वहां पर सूर्य का इतना ताप था कि जटायु जी तो उस ताप को सहन नहीं कर सके। उन्होंने संपाति को भी कहा, भैया बहुत ताप है, हम लोगों को कष्ट हो सकता है, कुछ क्षति भी हो सकती है हमारे शरीर की, इसलिए हमको नीचे उतर जाना चाहिए। अब ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ान नहीं भरनी चाहिए। परंतु संपाति जी को जिद चढ़ी हुई थी कि सूर्य तक पहुंचने की। जटायु जी तो आ गए, वे चित्रकूट में आ पहुंचे और जैसे ही संपाति जी ने और उड़ान भरी तो उनके सूर्य के ताप से उनके पंखे जल गए। वे समुद्र के किनारे आकर के गिर पड़े और बड़ी मुश्किल से गुफा तक जा पहुँचे और वहीं निवास करने लगे। एक समय की बात है, नाभाजी वर्णन करते हैं कि जो अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी वन में अपने परिवार के साथ वन विहार के लिए गए हुए थे, वहाँ उनकी श्री जटायु जी से मुलाकात हुई और दोनों में बड़ी घनिष्ठ मित्रता हो गई। दोनों एक दूसरे से बड़ी प्रेम से मित्रता निभाते थे। जब श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी के आज्ञा और महाराज दशरथ की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वनवास में आए, तब उन्होंने चित्रकूट पर निवास किया। जब उस समय वे चित्रकूट में पधार रहे थे तो जटायु से उनकी मुलाकात हो गई। जटायु उनको पहचान गए और श्री रामचंद्र जी से उन्होंने सारी बातें बताई कि तुम्हारे पिताश्री मेरे परम मित्र थे। तो जटायु को भी श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी ने उतना ही सम्मान दिया जितना कि वे अपने पिताश्री दशरथ जी को देते थे। जटायु जी भी उन्हें अपने बच्चों की तरह ही उनकी देखभाल करते थे। एक समय की बात है भक्तजनों, हम सब रामायण की कथा, श्री रामचंद्र जी का
चरित्र तो सुनते ही आए हैं, सबने सुना ही है। नाभाजी वर्णन करते हैं कि एक समय की बात है, शूर्पनखा जो रावण की बहन थी वह चित्रकूट में आई और राम जी से विवाह करने के लिए कहने लगी। रामचंद्र जी ने बोल दिया, मेरी तो पत्नी सीता जी हैं ही, तुम लक्ष्मण जी के पास जाओ। इसी प्रकार से जब लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो दास हूँ, मैं तुम्हारी को क्या सुख दे सकता हूँ, फिर वो राम जी के पास गई। तब उसको बड़ा क्रोध आ गया, उसने सीता जी पे हमला कर दिया। राम जी के इशारे से श्री लखनलाल जी ने उसके नाक कान काट दिए। वर्णन आता है रामचरितमानस में। तब वो बड़ी क्रोधित होकर के अपने दोनों भाइयों के पास गई, खरदूषण के पास। वो सेना लेकर के आए, वो भी मारे गए। फिर वो रोती भी लगती हुई रावण के दरबार में पहुंची। रावण भी समझ गए कि साक्षात कोई भगवान ने ही अवतार ग्रहण कर लिया होगा। अब मैं उनको जा कर के देखता हूँ। वे अपने मामा मारिच के पास गए और मारिच को कहने लगे कि तुम सोने का मृग बन करके मेरे साथ पंचवटी में चलो। मारिच ने रावण को बहुत समझाया, परंतु रावण एक नहीं माना। अंत में मारिच ने सोचा कि इस पापी के हाथ से मरने से तो अच्छा यही होगा कि मैं भगवान के हाथ से मरूं। श्री नाभाजी वर्णन करते हैं, मारिच को लेकर के रावण पंचवटी में आ पहुंचा और अपना तो छुप गया एक पेड़ के नीचे। और मारिच जहाँ पर सीता जी राम लक्ष्मण जी की कुटिया थी, उस कुटिया के आसपास घूमने लगा। सीता जी की दृष्टि यानी नज़र उस हिरण पर पड़ी। सीता जी कहने लगी कि हे राम जी, यह हिरण मेरे लिए ला दीजिए, मैं इसको अयोध्या लेकर के जाऊंगी। और ये बहुत ही सुंदर हिरण है, ऐसा तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। श्री राम जी मुस्करा कर धनुष बाण लेकर के चलने को तैयार हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भैया, ब्रह्मा जी की सृष्टि में तो ऐसे हिरण का न हमने कहीं वर्णन सुना है न देखा है। इस जंगल में राक्षस रहते हैं जो तरह तरह की माया से भेष बदलते रहते हैं, हो न हो ये कोई राक्षस ही हो, परंतु भगवान ने तो लीला करनी थी। लीला के लिए भगवान उस हिरण के पीछे जाने लगे और लक्ष्मण जी को आज्ञा दे करके गए कि तुम सीता जी की चाहे कितनी भी कोई भी कैसा भी कठिन विषय आ जाए तुम्हारे सामने, परंतु तुम सीता जी को मत छोड़ना। राम जी हिरण के पीछे पीछे दौड़ने लगे। आगे आगे हिरण दौड़ता है, पीछे पीछे राम जी दौड़ते हैं। राम जी ने हिरण को बहुत देर तक खिलाया। अंत में जब उसका समय मरने का आ गया, रामचंद्र जी ने एक धनुष बाण से एक तीर मारा और वह धराशायी हो गया। जैसे ही गिरा उसने बड़ी जोर से आवाज लगाई, हाय सीते हाय लक्ष्मण, ऐसे पुकारने लगा। आवाज सीता जी के कान तक पहुंच गई। सीता जी बड़ी व्याकुल हो गई, क्योंकि असली सीता जी को तो राम जी ने अग्नि में छुपा दिया था और वो सीता का जो प्रतिबिंब था नकली सीता वो थी। अब भगवान को लीला करनी थी तो सीता ने कहा, हे लक्ष्मण जी, आपके भैया बड़े कष्ट में हैं, आप जाइए उनकी सहायता कीजिए। लक्ष्मण जी ने सीता जी को बहुत समझाया कि वे तो जगत के पिता हैं, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हे माता आप धैर्य धारण कीजिए। परंतु अगर लक्ष्मण जी रुक जाते तो लीला कहाँ हो पाती, राक्षसों का नाश कहाँ हो पाता। इसलिए सीता जी ने कुछ कड़वे वचन कह दिए जिसको लक्ष्मण जी सहन नहीं कर पाए। लक्ष्मण जी एक रेखा खींच के गए जिसको लक्ष्मण रेखा कहते हैं और उनको कहा, माता आप इस रेखा से बाहर नहीं आइएगा। लक्ष्मण जी धनुष बाण उठा के चल दिए। जैसे लक्ष्मण जी को जाते हुए रावण ने देखा, उसने साधु का भेष बनाया और सीता जी के पास आकर के कहने लगा, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। सीता जी ने सोचा कोई साधु बाबा आए हैं। नाभाजी वर्णन करते हैं, जैसे सीता जी भिक्षा लेकर के आई, रावण ने उस रेखा को देखा और जैसे ही वह उसके अंदर को जाने लगा तो उसमें से अग्नि की ज्वाला होने लगी। रावण की हिम्मत नहीं हुई कि वह इस अग्नि रूपी रेखा को पार कर सके। सीता जी को कहने लगा
कि देवी इस रेखा से बाहर आकर के भिक्षा दो, ये बधी हुई भिक्षा हम नहीं लेते, नहीं तो हम कहीं और चले जाते हैं। सीता जी ने बहुत समझाया कि मेरे भाई तुल्य मेरे देवर जी मुझको आज्ञा दे के गए हैं कि आप इससे बाहर नहीं आइएगा, अब मैं कैसे आ जाऊं। रावण ने कहा अगर आप भिक्षा देना नहीं चाहते हैं तो हम फिर चले जाते हैं, फिर आपका जो पुण्य है वो सब नष्ट हो जाएगा, आपके द्वार से एक साधु खाली हाथ चला जाएगा। सीता जी विचार करने लगी मन में अब मुझे क्या करना चाहिए, जिस धर्म के लिए रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी वन में आई हैं, धर्म के लिए महाराज दशरथ ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया धर्म के लिए, और श्री भरत लाल जी वन में आकर के राम जी को मनाने के लिए बहुत उपाय किए, और वे नंदीग्राम में साधु का वेश बना के धरती के अंदर धर्म के लिए इतना कष्ट झेल रहे हैं, तो उस धर्म के खातिर अब मुझे भी जो भी होगा वो सहना ही पड़ेगा। सीता जी रेखा के बाहर आ गई और रावण को जैसे ही भिक्षा देने लगी, ऐसा कहते हैं कि रावण तो समझ गया कि ये जगत जननी जानकी हैं, रामचंद्र जी से जब मैं विद्रोह करूंगा तभी मेरी मुक्ति होगी, क्योंकि भजन कीर्तन तो इस तामसी शरीर से नहीं हो पाता। नागाजी वर्णन करते हैं जिस भूमि पर सीता जी खड़ी थी उस भूमि का टुकड़ा ही रावण ने सीता समेत उठा करके अपने रथ पर रख लिया। सीता जी रोती चिल्लाती हुई जाने लगी, हाय राम हाय लक्ष्मण, हाय राम हाय लक्ष्मण, बचाओ बचाओ, ऐसे कहते हुए जब सीता माता जा रही थी तो उस वन में भक्तजनों और भी तो बहुत से लोग रहते होंगे, जैसे साधु संत हैं, पशु पक्षी हैं, सिंह हैं, परंतु सीता जी को बचाने के लिए कोई भी नहीं आया, किसी ने अपने धर्म का पालन नहीं किया। जब जटायु जी ने सीता जी की पुकार सुनी, जटायु कहने लगे पुत्री सीता धैर्य धारण करो, मैं आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। रावण को ललकारते हुए कहने लगे अरे रे दुष्ट, तू मेरी पुत्र बहू को कहाँ लिए जा रहा है, जरा ठहर जा, मैं अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। जटायु जी ने रावण को अपने चोंचों से नोच दिया, अपने पंजों से भी उसको बहुत आघात पहुँचाया, उसको घायल कर दिया अपने पंजों से और चोंच से। एक बार तो रावण मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ा रथ से, फिर सोचने लगा रावण देखो मैं त्रिलोक विजेता हूँ, अगर एक पक्षी के द्वारा मारा गया तो ये बड़े शर्म की बात होगी, मैं तो निंदा का पात्र बन जाऊँगा। रावण ने सोचा ये जटायु पक्षी तो मुझे आज मार ही डालेगा, क्योंकि जटायु जी तो धर्म के मार्ग पर हैं और रावण अधर्म कर रहा है। तब रावण ने क्रोधित होकर के जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया। जटायु जी हाय सीते हाय राम करते हुए जमीन पर गिर पड़े और रावण सीता जी को लेकर के अपनी लंका में आ पहुंचा। पीछे से जब श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी अपनी कुटिया में आए, सीता जी को न पाकर वे एक लीला रच करने लगे राम जी। लक्ष्मण जी तो बड़े दुखी हो गए कि मैंने भाभी का कहना क्यों माना होगा, अपने भाई की आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया। लक्ष्मण जी बड़े दुखी हुए, राम जी नर लीला करते हुए रोने लगे, हाय सीते तुम कहाँ चली गई हो, कहाँ चली गई हो, हे खग हे मृग हे पशु कर श्रेणी, कहीं देखी तुम सीता मृग नयनी, ऐसे गाते हुए इधर उधर से सबको पूछते हुए राम जी श्री जटायु जी के पास जा पहुँचे। उन्होंने देखा कि जटायु जी अधमरे से पड़े हुए हैं, उनके पंख भी नहीं हैं, वे खून से लथपथ हुए हैं, यह देख करके राम जी बड़े व्याकुल हो गए। उन्होंने जटायु जी को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी जटाओं से कहते हैं उनकी धूल को झाड़ने लगे। तब जटायु ने सारा वृतांत राम जी को सुनाया कि कैसे कैसे रावण सीता जी को ले गया, सीता जी किस प्रकार से विलाप कर रही थी, मैंने उस राक्षस को ललकारा परंतु उसने मेरे पंख काट दिए, हे राघवेंद्र मैं फिर कुछ नहीं कर सका। जब जटायु जी ने अपनी सारी कथा राम जी को बताई तो राम जी की आंखों से आंसू बहने लगे।
राम जी अत्यधिक व्याकुल हो गए और जटायु से कहने लगे, हे तात, अगर आप जीवित रहना चाहते हैं तो आप अपना शरीर धारण कीजिए, आप हमें छोड़ करके मत जाइए। जटायु ने कहा कि मरना तो एक दिन संभव ही है, हे राम जी, ऐसा मौका फिर कभी आए या ना आए, इसलिए अब आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तब श्री रामचंद्र जी ने जटायु को आज्ञा दे दी और जटायु जी ने अपने प्राण त्याग दिए और रामचंद्र जी ने उनको अपना जैसा ही शरीर दे दिया। जैसे राम जी का शरीर है ऐसा ही शरीर धारण करने की आज्ञा दी और जटायु जी भगवान के साकेत धाम को चले गए। और उनके शरीर का राम जी ने जिस प्रकार से एक पुत्र अपने पिता के शरीर का अंतिम संस्कार करता है, रामचंद्र जी ने वैसे ही जटायु जी के शरीर का अंतिम संस्कार किया, उन्हें जलांजलि दी। सारे जितने कार्य होते हैं वो सब पूरे करते हैं, क्योंकि हे भक्तजनों, जो जटायु जी ने एक स्त्री के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर दे, अपने प्राणों की चिंता नहीं की, इसलिए जटायु जी रामचंद्र जी को अति प्रिय हैं। हम रामचरित्र तो पढ़ते हैं और राम जी को अपना आदर्श भी मानते हैं, परंतु उनके बताए हुए मार्ग पर शायद ही कोई चलता होगा, क्योंकि सबको अपनी चिंता रहती है। इसीलिए जटायु जी इस संसार में सबसे महान कहे गए हैं। पक्षी होने के बाद भी उन्होंने सीता जी की पूरी रक्षा की और अपने प्राणों की आहुति दे दी, इसीलिए रामचंद्र जी ने उनको अपना लोक, अपना धाम दे दिया। अब जटायु जी की कथा को हम आज यहीं पर संपन्न करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। अशुतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।